नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक बहुत ही लिमिटेड बजट के ऊपर हैं, मान लीजिए आपके पास एक पुराना पीसी है जो कि आउटडेटेड हो चुका है, आप उसके ऊपर गेमिंग नहीं कर पा रहे और आपका बजट है भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट, आप एक नया पीसी नहीं बना सकते, यानी कि हर एक कंपोनेंट नया खरीद के आप दोबारा से एक पीसी नहीं बनाना चाहते, आपका बजट है 5,000 से 10,000 रुपये, आप चाहते हैं इसके अंदर ही कुछ ऐसा अपग्रेड हो जाए कि सारी गेम्स, अच्छी अच्छी गेम्स जैसे कि GTA 5, पबजी और इस टाइप की गेम्स जो है वो आपके पीसी पर रन कर जाए। तो अगर आप भी गाइस इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि आपको क्या क्या अपग्रेड करना है, कैसे अपग्रेड करना है। और साथ ही में मैंने एक पीसी रखा हुआ है पीछे डेमो के लिए, जिसपे मैं आपको सभी गेम्स को रन करके भी दिखाऊंगा आप सभी के सामने। तो ये सब आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 30,000-40,000 रुपए खर्च कर एक पीसी बनाना नया, तो गो फॉर इट, डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ एक सिनेरियो में फंस चुके हैं, आपके पास एक पुराना मदरबोर्ड या एक पूरा पीसी है जो कि ऑलरेडी रनिंग में है लेकिन उस पर आप गेमिंग नहीं कर पाते, तो वीडियो को पूरा देखें। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट से जिसके ऊपर हमारे को नजर डाल। यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रांग होगा तो जरूर जो नए गेमिंग टाइटल्स हैं वो उसे फेवर करें। प्रोसेसर आप कौन सा अपग्रेड कर सकते हैं या कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर आप इंटेल के सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक LGA 775 का G41 G31, जिसके अंदर आप एक पुराना ड्यूएल कोर या एक कोर टू डुओ यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं इंटेल कोर टू क्वाड Q6600 या फिर Q9400 के साथ। और गाइस जो जो पार्ट्स मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूँ सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चाहे वो आपको अली एक्सप्रेस से बाय करना है या आपको अमेजोन इंडिया से बाय करना है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं आप वहां से जाकर बाय इनको कर। सेकंड सिनेरियो में अगर यहां पर आपके पास एक AMD का सिस्टम है, जैसा कि मेरा ये सिस्टम था, यहाँ पर मेरे पास AM3 सॉकेट का एक मदरबोर्ड था, तो यहाँ पर गाइस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था AMD का एथलॉन 2X2 255, जो कि है एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर, और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर इससे अच्छा प्रोसेसर लगा पाऊँ अपग्रेड करके, और मेरा बजट यहाँ पर काफी लो था, मैं 1,000 रुपए से ऊपर नहीं खर्च कर सकता था प्रोसेसर के लिए, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी सिस्टम है, इट्स नॉट माई प्राइमरी सिस्टम। तो यहाँ पर मैं गया Phenom 2X3 710 के साथ। तो ये गाइस बेसिकली है एक ट्राई कोर प्रोसेसर, लेकिन अगर आप में से कई लोगों को पता हो तो AMD के जो पुराने प्रोसेसर आते थे उनके अंदर जो कोर्स थे वो डिसेबल या फिर हिडन किए जाते थे, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि मैं अपने इस ट्राई कोर प्रोसेसर को कोर अनलॉकिंग यूज करके एक क्वाड कोर प्रोसेसर में कन्वर्ट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया क्योंकि ये बहुत बार वर्क करता है। तो हर सिनेरियो में ये वर्क नहीं करता, बट आई गॉट इट वर्किंग, तो लकीली मेरे लिए ये काम कर गया और हो सकता है आपके लिए भी काम कर जाए। लेकिन अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप Phenom 2X4 के साथ भी जा सकते हैं। इसमें बात करें इस अपग्रेड प्राइस की, तो मैंने अपना प्रोसेसर अपग्रेड किया 700 रुपए में। अगर आप चाहें तो आप 1,000 से 1,100 रुपए खर्च कर एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड कर सकते हैं अपने करंट सिस्टम के। बाद में बात कर लेते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कि है हमारी रैम। अब मेरे हिसाब से आपके जितने भी पुराने सिस्टम्स भी होंगे उनमें एटलीस्ट 2GB RAM तो होगी, क्योंकि 2GB उस टाइम का स्टैंडर्ड था, तो 2GB RAM हर कोई लगा के चलता था अपने पीसी में। तो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगा स्ट्रॉन्गली कि आप एटलीस्ट यहाँ पर 4GB करके चले उस रैम को। हालांकि अगर 4GB से ऊपर करके चलेंगे तो आपके लिए और बेनिफिट है, लेकिन अगर बजट बहुत लिमिटेड है तो आप उसको एटलीस्ट 4GB कर लें। अगर 2GB की स्टिक है तो वहां पर आप 2GB RAM और ऐड कर लो। अगर मार्केट से जाकर बाय करोगे आपको 750-800 के बीच में 2GB की DDR3 RAM मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको 900 रुपए के आसपास मिलेगी, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से आप बाय कर सकते हैं रैम। अगर आप 4GB RAM भी यहां पर करके चलते हैं मिनिमम, तो इट विल डू द जॉब। 720p के ऊपर आप बहुत इजीली किसी भी गेम को यहां पर खेल पाए। अब यहां पर गाइस बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे ग्राफिक कार्ड के बारे में। यहां पर हर कोई मोस्टली यहां पर मिस्टेक कर जाता है, मोस्टली सभी भाई लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। अगर आपका 3,000-4,000 रुपए के आसपास का बजट है तो लोग मार्केट से जाकर GT710 जैसा कार्ड ले आते हैं, जो कि बिल्कुल पैसे आपके लिए बर्बाद है। अगर आप एक अच्छे लेवल की गेमिंग चाहते हैं तो वो कार्ड आपके लिए नहीं। यहाँ पर आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप डील्स ढूंढें यूज्ड ग्राफिक कार्ड्स की, जो कि आपको इस प्राइस में मिल जाए। अगर आप जानना चाहते हैं आप कैसे बाय कर सकते हैं कोई भी यू स्टील OLX या फिर क्विकर से, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगा आप अली एक्सप्रेस से भी बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो कुछ टाइम पहले, तो मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने GTX 750 1GB का GDDR5 वेरिएंट ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से और वो आ गया था, एंड इट वाज 100% वर्किंग। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी
तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिलेगा। उसमें मैंने प्रॉपरली गाइड भी किया है कि किस तरह से आप किसी ऐसे फॉरेन वेबसाइट से गुड्स को ऑर्डर कर सकते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो गाइस मैंने GTX 751GB का बाय किया था 2700 रुपए में, जो कि एक बहुत ही ऑसम डील थी। यहां पर अगर आप एक GTX 750Ti भी बाय करना चाहेंगे तब भी 2GB का वेरिएंट आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा वहां से, तो आप वो जाकर बाय कर सकते हैं रेदर देन बाइंग अ न्यू GT710। अगर आप ये डील लेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा ऑसम परफॉर्मेंस मिलेगा। और किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करें, आपको मैं अभी आप सभी के सामने यहाँ पर गेम्स रन करके बिल्कुल दिखाऊंगा। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर लास्ट कंपोनेंट की, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी कंपोनेंट्स की तरफ है। ये है आपका पावर सप्लाई यूनिट। अगर आप यहाँ पर एक चीप पावर सप्लाई के साथ जाएंगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपकी हार्ड ड्राइव फेलियर हो सकता है, आपका कोई भी कंपोनेंट बर्नआउट हो सकता है। तो इसलिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा एक अच्छा पावर सप्लाई यूनिट लगाकर चले यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा महंगा बाय करो, 2500-3000 रुपये खर्च के बाय करो। आई नो आप एक बहुत ही लिमिटेड बजट के ऊपर है तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर एटलीस्ट एक सर्कल का 400 वॉट का पावर सप्लाई, जो कि है सर्कल का CPH698V12, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था, 400 वॉट का पावर सप्लाई है और 800 रुपए से भी कम में आपको मिल जाता है Amazon इंडिया के ऊपर। लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर चीप ब्रांड्स जो कि आपको 400-500 रुपए में मिलते हैं, एटलीस्ट आपको उनसे अच्छा परफॉर्मेंस है पावर सप्लाई देगा। तो मिनिमम आप इस पावर सप्लाई के साथ तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर आपका जो टोटल ओवरऑल बजट होगा जो कि आप अब तक खर्च चुके होंगे इन चारों चीजों को अपग्रेड करके, अराउंड 5,000-10,000 रुपए के बीच में बैठ रहा होगा, जो कि एक अपग्रेड के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर कोई स्टक है ऐसे पुराने पीसी के साथ तो वो बिल्कुल इतना अफोर्ड कर सकता है अपने पीसी को एक गेमिंग लैग सिस्टम बना। जल्दी से चलते हैं इस पीसी के अंदर और देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई भी कॉम्बो बनाने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं इस मेरे पीसी के पास में। अब यहाँ पर करने के वाले हैं कि आपको गेम्स में रन करके दिखाऊंगा थोड़ी सी, जो कि काफी लोगों की ऑल टाइम फेवरेट गेम है, जैसे कि GTA 5 है, 2-3 और गेम्स यहाँ पे जो मेरे पास है वो मैं आपको रन करके इस पे दिखाऊंगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं यूज कर रहा हूँ, उसकी दो वजह है। तो फर्स्ट रीजन ये है यहाँ पर कि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको यूज करूंगा तो थोड़ा सा फ्रेम्स के अंदर लॉस आता है, क्योंकि पुराना पीसी ऑब्वियसली तो थोड़ा लॉस फ्रेम्स के अंदर रहता है, तो आप देख पाए कि असली में परफॉर्मेंस मिलता कितना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं यूज करने वाला। सेकेंडली अगर आप अपने सामने देख पाएंगे कि हाँ ये पीसी चल रही है तो लोगों का थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा रहता है, ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत होती है काफी ज्यादा कि कहीं झूठ ना हो, स्कैम ना हो, तो इसीलिए आपके सामने है। एक बार आपको मैं यहाँ पर CPU Z और GPU Z से दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्पेक्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस PC में। तो ये मैंने CPU Z चला दिया है, तो यहाँ पर AMD का Phenom 2X3 710 प्रोसेसर है। इसका कोर अनलॉकिंग भी हो सकता है अगर आपको वीडियो चाहिए, आपके पास कोई फंस चुके हैं आप पुराने AMD सिस्टम के साथ और आप कोर अनलॉकिंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो कर दूंगा। Phenom 2X3 ट्राई कोर 710 तीन कोर वाला प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4GB DDR3 RAM यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1333 MHz वाली, ठीक है। और ग्राफिक्स यहाँ पर है NVIDIA GeForce GTX 750, 1GB का वेरिएंट है इसका, ये लिखा है यहाँ पर साइज 1GB। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी गेम्स चलाकर देखते हैं, मैं ज़रा पीछे आ जाता हूँ ताकि मैं फ्रेम्स वगैरह आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँ। यहाँ पर मैं अपने ज़रा भाई को बिठाता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि वो गेम खेल के आपको दिखा पाए। सो लेट्स स्विच।
अगर आपने अभी तक इंडियन सेटअप वॉर्स में पार्ट नहीं लिया है तो पार्ट लेना ना भूले। बहुत ही ऑसम प्राइजेस आर वेटिंग फॉर द विनर्स और विनर अनाउंस हो जाएंगे अगले महीने की 17 तारीख के बाद। तो इसलिए अगर अभी तक आपने पार्ट नहीं लिया है तो पार्ट कैसे लेना है, ऊपर आई कार्ड में वीडियो का लिंक है, जल्दी से जाकर चेकआउट करो और पार्ट लेना ना भूलो इस ग्रैंड इवेंट। ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, साथ ही में सब्सक्राइब करो मेरे चैनल और दबाओ बेल आइकन को भी ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।